मुदखेड़ शहर के इस्लामपुरा वार्ड में पीने के पानी के नलों में से नालियों का पानी आने से वार्ड के कई लोगों के स्वास्थ्य खराब होने की खबर है। इस्लामपुरा वार्ड के नगर सेवक को स्थानीय लोगों द्वारा कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन नगर सेवक को वार्ड में आने और इस गंभीर मसले का हल करने का वक्त नहीं है। लोगों ने नगर परिषद मुदखेड़ प्रशासन को भी इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले कई सालों से इस वार्ड में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता अब्दुल रजाक ने खुद इस वार्ड का जायज़ा लिया और पीने के पानी किस कदर खराब आ रहा है इसका मायना किया। मुदखेड़ से अब्दुल रजाक की खास रिपोर्ट। आज हम इस्लामपुरे भाग में आए हैं और यहाँ के लोगों की शिकायत है कि पानी गंदा आ रहा है और ये तो अभी इनसे जानते हैं कि क्या हो रहा। खराब पानी है ले पानी नहीं कितनी दिवस पासून आले बरे दिवस झाले। तुम्ही तक्रार केली काय? केले खूप बारे तक्रार केली मात्र कोणीच ऐकना झाले आमचं। ये देखो लोगों की आरोग्य को धोखा हो रहा, प्रशासन इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे और यहाँ के लोग बड़े समस्या में है और पानी दूसरे एरिया से जाके ला रहे हैं पर मगर इस एरिया का इंतज़ाम नहीं बराबर कर रहे और जहाँ से पाइपलाइन लीक है क्या है एकदम सरफ का पानी आ रहा और इसकी कोई इम्तिया नहीं है कि बहुत सारे लोग गैस स्टो होने के कारण हॉस्पिटल में भी जाके आए मगर यहाँ की प्रशासन इस एरिया के ऊपर लक्ष्य नहीं दे रही है और आप सब देखते हैं देखिए ये जो पानी आ रहा है एकदम सरफ की वजह से पानी निकल रहा है ढक्कन उसमें पहले बो देख हाथ डाल के ये देखिए पानी है ये पानी देख गलीज पानी उसमें खाली संडास की बो आ रही गली में से जाना पड़ रहा नाना नहीं तो इधर पानी क्यों साफ नहीं आ रहा क्या हो रहा नहीं आ रहा पूरा पानी गंदा आ रहा 5 साल हो गए आज 5 साल से वही पानी आ रहा गंदा तो भाग ला आज हम इस्लामपुरे भाग के अंदर वार्ड क्रमांक प्रभाग क्रमांक 4 में है और यहाँ की समस्या है कि पानी एकदम नाली का आ रहा है गटर का नाली और यहाँ के लोग बहुत परेशान है 5-6 साल से अर्ज पे तकरार दे रहे हैं प्रशासन इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा और अभी तो प्रशासन लागू है और लापरवाही हो रही है यहाँ पे जो प्रशासन के लोग है नगर पालिका के पानी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे और यहाँ क्या हो रहा पानी कैसा आ रहा पानी बहुत गंदा आ रहा नाली का पानी नाली का पानी आ रहा तेज आ रहा है 2-3 सालों का पानी का कुछ ये नहीं बोलेगी तो कहे उनका निजात कोई नगर सेवक बोले करीम खान सब बोले सब बोले कोई दिल पे ले रहे नहीं मुझे देखो नगर सेवक सिर्फ वोट लेने के लिए है क्या ऐसा लोगों का कहना है और यहाँ से क्या हो रहा है अभी आपका भी एक वीडियो आया था परसों नहीं ये गंदा पानी आ रहा 5-6 साल से वो पानी पिला रहे फेस तो आ रहा नल को हम भेजे भी तो आप एक्शन नहीं ले रहे उसका नहीं ऐसा भी मालूम हुआ कि दवाखाने में भी गैस तो हुआ बोल के गए थे क्या सलीम भाई इन्होंने भी अर्ज दिए नगर पालिका में मोर्चा भी लेके गए और इससे पहले नगर पालिका का यहाँ पे कचरा भी डाल के यहाँ पे आंदोलन कचरा आंदोलन भी करे और आम्ही प्रशासनाला खूप वेळेस निवेदन देऊन सुद्धा माझ्यापाशी ओशी सुद्धा आहे मी परवा अजून मोठ्या अधिकारीला बोललो आमच्या पाण्याची कोणी दखल घेत नाही आम्ही नगरसेवकाला खूप विनंती केली प्रत्येक नगरसेवकाला एक प्रत्येक भागाच्या नगरसेवकाला सांगितलं कदम साहेबाला सुद्धा सांगितलं आमच्या पाण्याचा प्रश्न काही सॉल्व होत नाही कृपया साहेबांनी आमच्या पाण्याबद्दल काहीतरी निर्णय घ्यावा आणि व्यवस्थित पाणी देऊन आम्हाला सहकार्य करावं धन्यवाद डक्कन सवेरा के लिए अब्दुल रज़ाक मुदखेड़।